हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ज्यादा खास, क्योंकि आज हम लेके आए हैं किचन की बेसिक चीजों से बनने वाला बहुत ज्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता जो हम बनाने वाले हैं बेसन से। बेसन एक ऐसी चीज होती है जो हर किचन में अवेलेबल होती है और आप इससे ऐसा नाश्ता बना सकते हैं जिसे पूरे महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। दूसरी खासियत ये है कि ये नाश्ता इतना ज्यादा हेल्दी है कि बच्चे इसे देखते ही चट कर जाएंगे और आप स्टोर ही नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, हम काम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है बेसन, जो मेरा बेसन है वो महीन वाला बेसन है। अगर आपके पास मोटा वाला बेसन है तो उससे भी बन जाएगा, लेकिन अगर महीन बेसन है तो उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो बेसन मैंने लिया है 150 ग्राम। वेट में नाप में बताऊं तो एक छोटी कटोरी, आप कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए, इसी कटोरी से आप नाप सकते हैं, सॉरी उसी कटोरी से आप नाप सकते हैं। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, काम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, एक बड़े साइज का बर्तन ले लेना और इसमें हम डालेंगे अपना बेसन। तो सबसे पहले हमें बेसन को डाल देना है। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच छोटा वाला नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल, तेल जो होना चाहिए काफी गर्म होना चाहिए, तो गर्म तेल ही डालना है। आप तेल की जगह पे घी बटर भी डाल सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, गर्म है तो इसलिए इसे पहले चम्मच से मिलाएंगे हल्के हल्के से, और जब हमें लगेगा कि ये अच्छे से ठंडा हो चुका है तेल, तब हम हाथों का इस्तेमाल करते हुए इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। तो फ्रेंड, बैकग्राउंड में आलू वाला चिल्ला रहा था तो आप लोग माइंड मत करिए। और ये देखिए, हम इस तरह से हल्का हल्का सा इसको बिल्कुल मस लेंगे ताकि ये बिल्कुल हमारा जो बेसन है दाने दानेदार हो जाए। जब बेसन दाने दानेदार होगा तो ये नाश्ता बहुत ज्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा, लंबे समय तक खराब नहीं होगा। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से पूरा जो हमने तेल डाला है वो हमें हर बेसन के कोने में पहुंचा देना है। और इस तरह से हमारा बेसन देखिए दाने दानेदार हो चुका है। और अब हम इसे साइड में रख देंगे और चलते गैस की तरफ। इसे 5 मिनट का रेस्ट लेना जरूरी है ताकि जो हमने डाला है वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए हमारे बेसन के अंदर। तो चलते गैस की तरफ, सॉरी गैस की तरफ नहीं चलेंगे, पहले हम थोड़ा सा काम यहाँ करेंगे फिर चलेंगे गैस की तरफ। तो फ्रेंड, इस तरह से हमें मिलाने के बाद इसे कवर करके रख देना है 5 मिनट। जब तक ये कवर करके हमने रखा है 5 मिनट रेस्ट पे और जो हमारा तेल है वो अच्छे से बेसन में ऑब्जर्व होगा, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड, आगे गैस की तरफ एक पैन रख दिया है। अब इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, इसमें हम 50 ग्राम मूंगफली डालेंगे जो कच्ची मूंगफली है, और इसको हम धीमी धीमी आँच पर रोस्ट करेंगे। तो धीमी धीमी आँच पर हमें मूंगफली को रोस्ट करना है 1 से 2 मिनट तक। जब हमारी मूंगफली 1 मिनट तक रोस्ट हो जाएगी तब इसमें हम डालेंगे जीरा 1 बड़ा चम्मच, और 1 चम्मच इसमें डालेंगे साबुत धनिया, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे सौंफ, और थोड़ा सा इसमें है राई के दाने। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। धीमे धीमे आज पे हम सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए, मूंगफली में कलर आना शुरू हो चुका है। तो ये देखिए, इस तरह से चट्टे चट्टे बोलने लगे तो समझ जाइए हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, उसे ठंडा कर लेंगे, फिर इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड, मूंगफली हमारी ठंडी हो चुकी है, इतनी ठंडी हो गई है कि हम इसे छू पा रहे हैं। अब इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं अपने मिक्सी के जार में छोटे वाले में। अब इसमें हम डालेंगे अदरक जो हमारा 2 इंच का है। अब इसमें हम डालेंगे 2 कलियां लहसुन की, ज्यादा नहीं डालना है, 2 कलियां काफी है। और 1 हम सिर्फ हरी मिर्च डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, 1 काफी, क्योंकि हम लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे तो हमने सिर्फ 1 हरी मिर्च डाली है। अब हमें बिल्कुल भी फाइन नहीं डालना है, इसको हमें एक बार मिक्सी चलाकर रोक लेना है और दरदरा करके निकाल लेना है। तो चलिए इसे पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, पानी नहीं ऐड करना है, बस इसको एक बार मिक्सी चलाने के बाद रोक देना है और इसको बिल्कुल दाने दानेदार फॉर्म में कर लेना है। तो चलिए करके लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, इसे मैंने इस तरह से पीस लिया है, बिल्कुल दरदरा रखा है, बिल्कुल फाइन नहीं किया है, देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, इस तरह से सारी चीज का दरदरी है हमारी। अब चलते हैं गैस की तरफ, आगे का काम गैस पे करेंगे। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ और पैन रख दिया। अब इसमें हम डालेंगे तेल 1 चम्मच, ज्यादा नहीं, और तेल को अच्छे से हीट कर लेंगे। जैसे ही हमारा तेल हीट होगा हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, और अब इसके बाद हम इसमें 1 मीडियम साइज की प्याज डालेंगे। तो इस तरह से हमने प्याज को पतला पतला कट कर लिया, ये डाल देंगे। और प्याज को हमें हल्का सा ब्राउन करना है, बहुत ज्यादा काला नहीं। फ्रेंड, प्याज हमारी हल्की हल्की से ब्राउन होगी, बहुत ज्यादा काला नहीं करना है। तो अब हमने जो मिश्रण बना के रखा था वो हम सारा का सारा ऐड कर देंगे इसके अंदर, और प्याज को ब्राउन करना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से हम सारा निकाल कर डाल देंगे इसके अंदर। चलिए साफ कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे 1/2 चम्मच तक, 1/2 चम्मच नमक जाएगा, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी भी डाली इसलिए हम 1/4 चम्मच ही डालने, ज्यादा नहीं डालने। 1/4 चम्मच तक हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, बहुत ज्यादा गरम मसाला नहीं डालना है। और सारी चीजों को हम अच्छे से भून लेंगे। मूंगफली में अपना ऑयल होता है तो इसीलिए मैंने कम से कम ऑयल इस्तेमाल किया है। और धीमी धीमी आंच पर हम इसको 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर हमारा निकल कर आ जाए। फिर इसके बाद हम इसे कुछ चीजें ऐड करेंगे, तो पहले हम इसे 1 मिनट भून लेते हैं।
तो फ्रेंड अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश हरा धनिया। धनिया डालते समय आपको ख्याल नहीं रखना है, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए धनिया में। तो धनिया को मैंने अच्छे से पंखे के नीचे सुखाने के बाद डाला। अगर आपके धनिया में पानी होगा तो नाश्ता आपका खराब हो जाएगा। अगर आपके पास धनिया ना हो तो आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको भी सुखा के डालिएगा। अच्छे से वॉश करने के बाद फैन के नीचे या धूप में हल्का सा रख दीजिए, 5 से 10 मिनट धूप में रख दीजिए। फैन के नीचे रख रहे हैं तो 1 घंटे रखने के बाद ही कट कीजिएगा। तो सारी चीजें हो गई है रेडी। अब इसमें हम डालेंगे हींग, थोड़ा 2/3 चम्मच हींग डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और नाश्ता हमारा डाइजेस्ट भी हो जाएगा। हींग हमें गैस के फ्लेम को बंद करके ही डालना चाहिए ताकि इसका जो टेस्ट है वो उड़े ना। अगर आप ऐसे डाल देते हैं तो वो उड़ जाता है भाप के साथ। और अब हम इस मिश्रण को ठंडा कर लेंगे। जब तक ये मिश्रण ठंडा हो रहा है, आइए हम अपने बेसन को चेक कर लेते हैं। वो अब 5 मिनट का रेस्ट देके रखा था, वो अब अच्छे से हो गया होगा सेट। अब चलते हैं चलते उसे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, 5 मिनट में बेसन अच्छे से हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन जो हमारी 1 चम्मच है, इसको हम इस तरह से मसलते हुए डालेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कलौंजी, कुछ लोग इसे मगरेल बोलते हैं और कुछ लोग इसे प्याज के बीज भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं कमेंट से जरूर बताना। इसको भी हाथ से मसलते हुए डालेंगे। और अब हम पानी लेकर इसका एक आटा लगाएंगे। आटा हमें बहुत ज्यादा टाइट नहीं लगाना है, लेकिन लूज भी नहीं लगाना है, मीडियम डो लगाना है। तो कैसे लगाना अभी आपको बताएंगे। तो पहले हम सारी चीजों को मिला लेंगे। अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे, पानी बिल्कुल नॉर्मल पानी जो आप लोग पीते हैं, ठंडा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसका अब हम इस तरह से गूंदते हुए आटा लगाएंगे। तो एक साथ पानी नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा गूंदेंगे, फिर इसके बाद पानी डालेंगे। क्योंकि बेसन हाथों में चिपकता है, तो अगर आपको थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत हो तो आप अपने हाथ में ऑयल लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम बिल्कुल ढीला ढीला हाथ करके इसे गूंद लेंगे। और मोड़ने के बाद हमें इसे ज्यादा गूंदना नहीं है, इसे हम ढक कर रख देंगे 5 मिनट। और 5 मिनट के बाद ये आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट हम इसे रख देते हैं 5 मिनट के लिए। तो इस तरह से हम कवर कर देंगे और 5 मिनट बाद चेक करेंगे। तब तक अपने हाथों को हम क्लीन कर लेते हैं। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है। अब देखिए आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, यानी सेट हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, 1 से 2 चम्मच, और इसको हम हल्का सा चिकना कर लेंगे ताकि ये मेरे हाथों में लगे ना। और अब इसे हम हल्का हल्का सा गूंदेंगे, बहुत ज्यादा गूंदने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप 5 मिनट का रेस्ट दे देते हैं तो आटा आपका वैसे ही सेट हो जाता है। 1 से 2 बार हम इसे मसल लेंगे और चिकना कर लेंगे। तो फ्रेंड आटा चिकना कर लिया है, अब इसकी हम लोइयां बना लेंगे। तो ख्याल ये रखना है कि हमें इसकी रोटी के आकार की लोइयां बनानी है, बहुत ज्यादा लोइयां नहीं बनाएंगे। 3 भागों में हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। तो हल्का हल्का सा ये चिपकेगा, थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं या फिर आप हल्का सा तेल लगा लीजिए, बेसन हमेशा चिपकता है। और अब इसे हम बेलेंगे। तो फ्रेंड एक लोई ले लेंगे और इधर हमने लिया है चावल का आटा, इससे हम तो फ्रेंड आइए इसे बेलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक लोई ले लेंगे और इसको हम इस तरह से गोल कर लेंगे। अगर ये आपके हाथों में चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल या पानी भी लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप मैदा भी ले सकते हैं। अगर मैदा भी ना हो तो आप क्या ले सकते हैं, आप गेहूं का आटा ले सकते हैं। और इस तरह से हम इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर लेंगे और रोटी की तरह हम इसे बेल लेंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप इसमें खूब आटा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये हल्का सा फटेगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, बिखरेगा। तो हल्का हल्का सा बेलन चलाते हुए हम इसे बेल लेंगे। बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं, बस ख्याल ये रखना है इसे इक्वल नहीं बेलना है, कहीं से ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। तो चलिए बेल लेते। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है, बहुत ज्यादा पतला नहीं रखा है। इसी तरह हम सारे बेल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने सारे बेल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पे थोड़ा सा तेल डालेंगे, हल्का सा गुनगुना, और इसे हम अच्छे से फैला लेंगे। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा सूखा चावल का आटा डालेंगे और इसे कोट कर लेंगे। अब हमारी जो ये बनाई हुई थी ये ठंडी हो चुकी है, इसको हम इस तरह से इसके बीचों बीच में रख लेंगे। बस बीचों बीच में रखना है, बहुत ज्यादा नहीं रखना है। और इस तरह से हम इसको कर लेंगे। अब इसके बाद हम अपनी दूसरी शीट को इसके ऊपर रखेंगे और इसे प्रेस कर देंगे इस तरह से। और फिर इसके बाद हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, फिर इसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और बाकी बचा हुआ भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको बीचों बीच में फैला लेंगे, किनारे पे नहीं करना है। अब इसके बाद लास्ट वाली भी लेयर इसके ऊपर चिपका देंगे। तो फ्रेंड लास्ट वाली लेयर भी इस तरह से हम इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर देंगे और अब इसे हम रोल करेंगे। तो इसे मोड़ने से पहले थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे इसके ऊपर और लास्ट बार हम इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये काफी कुरकुरा हो और चिपक भी जाए। थोड़ा सा हम चावल का आटा डालेंगे और अब इसे हम इस तरह से सेंटर को पकड़ते हुए, ये तो चलिए फटाफट मोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से रोल कर लिया है। रोल करने के बाद हम इसे हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे और अब हम इसे कट करेंगे। तो ख्याल ये रखना है कि हमें इसे बहुत ज्यादा बारीक नहीं कट करना है, तो इस तरह से हम इसको इस तरह से कट करेंगे, हल्का हल्का सा मोटा मोटा। ये देखिए, और बिल्कुल भी ये बिखरेगा नहीं।
अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें रख देना है 5 मिनट के लिए ताकि सेट हो जाए। तो चलिए इसे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। तब तक एक अमेजिंग सी चटनी आपके साथ शेयर कर देते हैं, जो इस नाश्ते के साथ अगर आप तुरंत खाना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी और इस नाश्ते को आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट चटनी बना लेते हैं। तो पहले इसको हम एक बर्तन में रख लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको उठा के इसके अंदर रख देंगे। तो बेसन का है, हल्का सा चिपकेगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जब आप इसे रख देंगे तो ये सेट हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा रोल बना है हमारा, और इस तरह से हम रख देंगे। और चलिए फटाफट चटनी बना लेते हैं। तो फ्रेंड चटनी बनाने के लिए हमने क्या लिया है, मूंगफली। तो मूंगफली हमने ली है 1 चम्मच बड़ा वाला, अगर आपका छोटा वाला चम्मच है तो आपको 2 चम्मच लग जाएगी। और ये मूंगफली हमारी वेट में 10 ग्राम है और ये कच्ची मूंगफली है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 कलियां लहसुन की, बहुत ज्यादा नहीं डालनी, सिर्फ 3 कलियां लहसुन की डालनी है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक का इतना बड़ा टुकड़ा 1.5 इंच का। और अब इसके साथ हम इसमें डालेंगे एक इम्पोर्टेंट, 1 खड़ी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे सौंफ, और हमने थोड़ी सी धनिया, साबुत धनिया को दोनों को मिला लिया, ये हम डाल देंगे। और इसको हम धीमी धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, बहुत ज़्यादा तेज आंच पे नहीं। तो देखिए मूंगफली जब चट्टे चट्टे करने लगे तो समझ जाइए आपकी मूंगफली अच्छे से भुन गई है। और जब ये अच्छे से भुन जाएगी तब तक हमें वेट करना है। अब ये भुन गई है तो हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, और फ्लेम को बंद करने के बाद हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करेंगे। तो फ्रेंड वो है नारियल, सूखा नारियल। अगर आपके पास फ्रेश नारियल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, मैं सूखा डाल रही हूँ, और ये लच्छे वाला नारियल 1 चम्मच। और इसको डालने के बाद हमें इसको इस तरह से हल्का हल्का सा चलाना है। ये हम गैस को बंद करने के बाद इसलिए डालेंगे क्योंकि नारियल के लच्छे को जलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, तो जो इसकी पैन की हीट होगी उसी से ये अच्छे से हो जाएंगे। तो इसे हमें बिल्कुल भी काला नहीं करना है, अगर काला कर लेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बस हमें इसको गर्म करना है ताकि पीसने में अच्छे से स्मूथ से पिस जाए। तो ये चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि आप एक बार बनाएंगे तो इसको बार बार बनाकर खाएंगे, ये मेरा दावा है। तो ये देखिए भुन गया, अब इसे हम ठंडा करने के बाद ही इस्तेमाल करेंगे, पहले ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये ठंडा हो चुका है, तो मैंने एक छोटा वाला मिक्सी का जार लिया है। अब इस मिश्रण को हम इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे सारा का सारा। तो ट्रांसफर करने के बाद हम इसमें 4 चम्मच पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे कि ये पिस जाए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और अब इसको हम कवर करके बिल्कुल स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेंगे, जो बिल्कुल भी दानेदार नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं करना है। तो चलिए इसे पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने इसे पीस लिया है। अब मैं इसे कटोरी में निकाल लेती हूँ, फिर इसके बाद आगे का काम करेंगे। इस चटनी को अभी हम और ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे तड़का मार के। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने चटनी को निकाल लिया, आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, लेकिन तड़का मारने से ये और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो थोड़ा सा तड़का मारने से अगर चीज़ अच्छी लग सकती है तो मारना जरूर चाहिए। चलिए बहुत स्पेशल सा तड़का मारते हैं इसके ऊपर, चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ और पैन रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे सिर्फ 1 चम्मच तेल, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, और इसे अच्छे से हीट कर लेंगे और बहुत ही कम चीज़ों से तड़का बनाएंगे। तो जैसे हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 चम्मच सरसों के बीज यानी राई डाल देंगे। जैसे ही राई इस तरह से उछलने लगे आप पीछे हट जाइए, और इसमें हम थोड़ा सा हींग डाल देंगे। हींग और राई का तड़का हमने लगा दिया, चलिए हम चटनी के ऊपर डालते हैं। तो इस तड़के के बाद इस चटनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये देखिए मैंने बांट लिया है, और तड़का मारने के बाद चटनी का फाइनल लुक देख लीजिए कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। मुँह में पानी आ रहा होगा आप लोगों के, तो ज़रूर ये चटनी को बनाइए। ये चटनी हफ्ते भर भी खराब नहीं होती, और इसमें नारियल और जो मूंगफली का टेस्ट आता है बहुत ज़्यादा अमेजिंग आता है। तो देखिए बहुत ही अमेजिंग सी चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, अब चलिए हम आगे का काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड चटनी को साइडने रख देते हैं और रोल को चेक कर लेते हैं, देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो गए। अब हम क्या करेंगे, हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना, क्योंकि बेसन है तो चिपकने का पूरा डर रहता है। अब हम एक लेंगे और इसे हम इस तरह से लॉक करेंगे हल्का हल्का सा, और इस तरह से प्रेस कर देंगे, देखिए इस तरह से, और कितने अच्छे से फिल किया है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी इसकी जो स्टफिंग है, और रोल हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब हम सारे इसी तरह से कर लेंगे फटाफट, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने सारे रेडी कर लिए, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, और आप इसे इस तरह से फ्रिज में लगा सकते हैं, जब आपके मेहमान हो या मन हो तब आप वैसे बना सकते हैं, और बना कर रख देंगे तो पूरे महीने की फुर्सत है। चलिए इसे बहुत ही कम तेल में आपको बनाकर दिखाते हैं, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड आगे गैस की तरफ मैंने तेल रखा है, बहुत ज्यादा तेल नहीं रखा है, 250 ग्राम तेल रखा है, और तेल हमारा जब अच्छे से हीट हो जाएगा हम गैस के फ्लेम को बंद कर सॉरी धीमा कर देंगे, और इस तरह से चेक करेंगे, अगर हथेलियों पर लग रहा है तो समझ जाइए आपका तेल गर्म है। और फिर इसके बाद हम अपने तैयार नाश्ते को इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से डालेंगे। तो थोड़ा सा हाथों को बचा कर डालिएगा, ये थोड़ी देर बाद इस तरह से हम चम्मच से कर देंगे।
चलिए फटाफट मैं डाल देती हूँ फिर आपको दिखा। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने 4 से 5 डाले हैं, बहुत ज्यादा नहीं डाले, 5 डाल के हम बना लेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी डालेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करना है, 2-3 मिनट बाद हम इसे टर्न करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे इस तरह से हम इसकी ऊपर डालेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से करारे बने और इसकी जो स्टफिंग है वो बढ़िया तरीके से कुक हो जाए। अब इसे हम टर्न कर लेंगे, देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है और इस तरह से हमें टर्न कर लेना है। अब इसे हम दूसरे साइड से भी बढ़िया सा ब्राउन करेंगे, आप चाहे तो इसे बहुत ही वाइट रख सकते हैं लेकिन मैं इसे अच्छे से ब्राउन करूंगी। तो फ्रेंड 2 मिनट बाद ये देखेंगे अच्छे से डन हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे और इस तरह से इसका एक्स्ट्रा तेल जो होगा वापस हो जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं और पूरे महीने आप इसे स्टोर कर लीजिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ये देखिए थोड़ी देर रखेंगे फिर इसके बाद हम इसे साइड में रख देंगे। तो सारा तेल वापस आ गया, अब इसे हम साइड में रख देते हैं। दूसरा बनाने के लिए हम तेल को फिर से गर्म करेंगे। अगर आपको डर लगता है तो इस तरह से आप डाल सकते हैं, चम्मच पे रख के हल्का सा इसको पलट दीजिए। तो ये भी बहुत ही आसान तरीका है, जिनको लगता है कि वो डालते समय उनके छींटे आ सकते हैं तो वो इस तरह से डाल सकते हैं। तो इस बार मैंने अपने सारे डाल दिए हैं। अब इसे 2 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, 2 मिनट बाद हम जैसे पहले वाला बनाए थे वैसे ये बनाकर आपको लास्ट में दिखा। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा ये बहुत ही अमेजिंग था बेसन का नाश्ता। देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, कितना ज्यादा करारा है। और ये चटनी के साथ खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा और पूरे 1 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं जिस तरह से मैंने बताया। अगर आपने उस तरह से बनाया होगा तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। दूसरी खासियत यह है कि बहुत ही कम तेल ऑब्जॉर्व करता है। तो देखिए इस तरह से हथेलियों पर प्रेस कर रहे हैं तो तेल ही तेल नजर नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड देखिए कितना करारा है और कितना क्रिस्पी है। तो इस तरह से बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए और इस चटनी के साथ तो इस नाश्ते के क्या कहने। बहुत ही बढ़िया लगती है ये डिप वाली चटनी जो हमने मूंगफली और नारियल से बनाई है। आपको कैसी लगी रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आप इसे चाय के साथ, केचप के साथ भी खा सकते हैं, जब आपके मेहमान आए तब आप इसे बना भी सकते हैं और फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और बिना फ्रिज भी आप इसे पूरे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलते हैं बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए और चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ। आप भी बनाइए, ये रेसिपी ऐसी है जो आप बनाकर खिलाएंगे तो सभी लोग आपकी तारीफ किए बिना नहीं जाएंगे और रेसिपी तो आपकी जरूर ट्राई करेंगे सभी लोग। तो होली में जरूर अपने मेहमानों को खिलाइएगा। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।